और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पर किसान संसद का आज दूसरा दिन है। जंतर मंतर पर 200 किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। आज भी शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करेंगे किसान। जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कल पहला दिन था, पूरे सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया था उस इलाके को जंतर मंतर के, जहां पर ये 200 किसान अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जिसको वो किसान संसद का नाम दे रहे हैं। और आज भी ये संसद यहां पर चलती हुई आपको नजर आएगी, चूंकि 9 अगस्त तक की परमिशन दी गई है। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, किसानों के धरने पर बोले राकेश टिकैत, पहली बार सरकार ने किसानों को किसान माना है, सरकार ने किसान संसद को मान्यता दी है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया, सरकार को हमारी मांगे माननी ही होगी, ये राकेश टिकैत कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि जो भी सांसद उनकी मांगों के पक्ष में आवाज नहीं उठाएगा उनके खिलाफ विरोध किया जाएगा। और अब देखिए सीधे तौर पर सरकार को लेकर बयान दिया गया है कि सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी। आज भी हमारे 200 लोग वहां पर जाएंगे, और जैसे कल प्रोग्राम रहा उसी तरह से आज प्रोग्राम वहां पर रहेगा। यहाँ से भी लोग चले गए, इस बॉर्डर से भी जो किसान क्रांति गेट है यहाँ से भी लोग चले गए, और सब जगह से 200 लोग जाएंगे, बसों से जाएंगे, वहाँ पे अपना प्रोग्राम करेंगे और शाम को 5 बजे फिर वापसी आ जाएंगे। और एक इससे बहुत ठीक मैसेज इससे एक जाता है, कम लोगों में अपनी बात कहने का एक मौका मिलता है, सब लोग ध्यान से सुनते हैं, और अलग अलग स्टेट के लोग आवे, अलग अलग एक्सपीरियंस अपने बताते हैं, तो कम भीड़ में अपनी बात रखने का अच्छा बेहतर मौका मिलता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जंतर मंतर से हमारे साथ हितेन बिटलानी है, और हमारी सहयोगी लवीना भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हितेन, बड़ा सवाल ये कि क्या राकेश टिकैत को समझ आ गया कि भीड़ जुटाने से नहीं, कम लोगों में शांति से अपनी बात रखना संभव हो पाता है कि समाधान की तरफ रास्ता निकाल कर जाए? देखिए, समझ तो आया ये हम कह नहीं सकते, लेकिन राकेश टिकैत अपने बयान बार बार पलटते हैं, हम ये साफ साफ कह सकते हैं। आपको ये तस्वीर दिखा दूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है यहाँ पर, कि आप देखिए मंच पे जो सभापति बनाए गए या फिर जो स्पीकर बनाए गए, वहाँ पर आपको दिखेंगे एक लड़के को कृषि मंत्री बनाया गया है, और उसकी पूरी क्लास लगाई जा रही है। मतलब संसद के अंदर जिस तरीके से पूरा कार्रवाई हमें जो देखने मिलती है, वो कार्रवाई यहाँ पर चलती नजर आ रही है। ये सारे सांसद बनकर बैठे हुए हैं जो कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और कृषि मंत्री की क्लास लगा रहे हैं, ये तस्वीर यहाँ पर आपको देखने मिल रही है। हालांकि राकेश टिकैत जो बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत को चलो कहीं ना कहीं देर से ही सही, दूर से ही सही याद तो आया कि कम भीड़ से ही वो अपना मैसेज जो है वो सही ढंग से सही जगह वो पहुँचा सकते हैं। भीड़ की जरूरत नहीं है सही से मैसेज दिलाने के लिए, सही से मैसेज एक जगह पहुंचाने के लिए। ये कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को खैर देरी से ही सही समझ में आया, ये एक अच्छी बात है। इसी बात का जिक्र भी राकेश टिकैत कई दफा करते हुए नजर आया कि शायद हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है, और ऐसे में आवाज पहुंचाने के लिए संसद के करीब ही किसान संसद लगाते हुए राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। लवीना का हम रुक कर लेते हैं। लवीना, दूसरे दिन की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि कल तो हमने देखा था कि शांतिपूर्वक पूरा दिन रहा था, आज भी वैसे ही हालात बने हुए हैं कि संसद की तरह ही काम यहां पर किसान संसद में हो रहा है? बिल्कुल रितिका, उम्मीद तो इसी बात की है कि जैसे तस्वीर कल नजर आई वैसे ही तस्वीर आज भी नजर आए, क्योंकि वादा यही किया गया है कि कोई भी हिंसा फैलाने की कोशिश नहीं की जाएगी। तस्वीर आप जरा देख लीजिए, जैसे सदन की कार्यवाही रितिका होती है बिल्कुल वैसे ही, देखिए इनकी 3 शिफ्ट लगाई जाती है। अभी इस वक्त आपको नजर आ जाएगा स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, और वो तमाम कृषि कानून से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पर उठा रहे हैं। इसके बाद ब्रेक होगा, फिर इनकी शिफ्ट बदल जाएगी, यानी कि अभी जो मंच पर बैठे हुए हैं फिर ये लोग चेंज हो जाएंगे। क्योंकि 200 यहां पर इस वक्त है अलग अलग संगठनों के, तो फिर ये लोग बदल जाएंगे और दूसरे लोग यहां पर आकर बैठ जाएंगे। लेकिन यहां से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश है। और आज की अगर रितिका का बात की जाए, क्योंकि कल देखिए कुछ घंटे देरी से सदन की जो ये किसान संसद है वो यहां पर शुरू हुई, और उसके बाद पहले घंटे की अगर बात की जाए तो 3 स्पीकर 3 डेप्यूटी स्पीकर बनाए गए, और उसके बाद फिर लंच ब्रेक भी हुआ, ऐसे ही अभी भी यहां पर होगा। लेकिन आज के लिए देखिए सरवन सिंह पंधेर यहां पर है, और ये नाम वही है सरवन सिंह पंधेर
तस्वीर। आपको याद होगा रितिका, 26 जनवरी जो हिंसा की तस्वीर पूरे देश ने देखी, आरोप ये था सरवण सिंह पंधेर पर कि यही वो व्यक्ति थे, यही वो किसान थे जिन्होंने बरगलाया था, जिन्होंने जो बैरिकेड्स तोड़े गए थे और उन जगहों पर जब वो गए थे जहां पर जाने की अनुमति नहीं थी, तो कहा गया था कि सरवण सिंह पंधेर की ओर से ही कहा गया था। हालांकि बाद में माफी भी उन्होंने इस बात को लेकर मांग ली थी, लेकिन आज क्योंकि वो इधर मौजूद है, मैं तस्वीर भी चाहूंगी, इसके बाद हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। जरा देखिए, वो आपको नजर आ जाएंगे, सरवण सिंह पंधेर इस तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद इसीलिए इस बात की ज्यादा है कि आज यहाँ पर थोड़ी स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि इसीलिए देखिए सुरक्षा जो है वो यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है, जिससे किसी भी तरीके की चूक यहाँ पर ना हो पाए। लेकिन लवीना, कोशिश कीजिए कि आप बात करें और पूछिए कि क्या जो भरोसा जताया गया है क्या कायम कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए हम बात करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसीलिए देखिए रितिका, सुबह से हमने दर्शकों को भी बताया कि सरवण सिंह पंधेर यहाँ पर हैं, और ऐसे में इसीलिए थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं माहौल कैसा रह पाएगा इस पर सवाल बना हुआ है। इनसे बातचीत भी हम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त संसद किसानों की ओर से वहां से लगाई जा रही है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो वादा किया गया है उसको निभा पाएंगे क्या, क्योंकि पहले भी देखिए तस्वीरें हमने देखी हैं और इस देश ने देखी हैं। 26 जनवरी की अगर बात की जाए तो वो तस्वीर पूरे देश ने देखी थी कि कैसे कहा गया था कि क्योंकि ट्रैक्टर परेड की अनुमति पुलिस की ओर से दी गई थी, और आज भी अगर अभी इस किसान संसद की बात की जाए तो अनुमति दी है कुछ शर्तों के साथ, तब भी कुछ शर्तों के साथ दी थी, लेकिन उन शर्तों को नहीं निभाया गया था। आज की कैसी तस्वीर सामने आती है ये हम देखेंगे। अभी बात करना थोड़ा सा इनसे मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनसे बात कर पाए, क्योंकि अभी यहाँ पर आप तस्वीर देख लीजिए, सुरक्षा के भी आप इंतजाम देख लीजिए कि और एक अच्छा एक चीज और भी महत्वपूर्ण है रितिका, कि जब यहां पर ये कार्यवाही चल रही है तो शुरू में ही जो किसान यहां पर मौजूद है इन्हें ये कह दिया जा रहा है कि आप इस बीच से उठे नहीं, क्योंकि मीडिया पर्सन आपको आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक ये पूरी कार्यवाही चल रही है ना, आपको किसी को बाइट नहीं देनी है, आपको किसी को कोई बयान नहीं देना है। यानी कि पहला जो मुद्दा इनके लिए है वो यही है कि किसी भी तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जाए। एक बार फिर से अलग अलग तरीकों से जो किसान करते हुए नजर आते हैं वो एक बार फिर से यहाँ पर कर रहे हैं, और ये भी साफ कर दिया जाता है कि जब तक इस सदन की यानी कि जिस जो किसान संसद यहाँ पर चलाई जा रही है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, आपको किसी को बाइट नहीं देनी है, आपको किसी भी मीडिया पर्सन अगर आपके पास आता है तो आपको उससे बात नहीं करनी है। लेकिन अभी देखिए बिल्कुल देश की संसद की तरह ही किसान संसद भी चल रही है। ठीक है लवीना, आपके पास लौटेंगे, हितेन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हितेन, देखिए बार बार प्रशासन सरकार की तरफ से भरोसा जताया गया था राकेश टिकैत पर, लेकिन हमेशा भरोसे को तोड़ा गया, लेकिन क्या अब किसान संसद के जरिए उस भरोसे को जीतने की कोशिश यहां पर की जाएगी? क्योंकि देखिए अगर इजाजत दी गई है सशर्त, और उसमें अगर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में जीत यहां पर दोनों पक्षों की होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए मैं बात करूं तो इस किसान संसद के माध्यम से यहाँ से दो मैसेज दिए जा रहे हैं। एक तो सरकार को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी संसद के साथ साथ हमारी संसद संसद मार्ग पे पैरेलल चल रही है, जहां पर हमने कानून रद्द कर दिए अब आप भी रद्द कर दीजिए। दूसरा मैसेज यही दिया जाएगा कि 26 जनवरी के बाद जो इनकी छवि खराब हुई थी लोगों के नजरों में, ये जो गिरे थे उसके बाद अब दो दिन से देखा जा रहा है जिस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इनका धरना चल रहा है, ना कोई इधर उधर जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जो प्लान बनाया था, दिल्ली पुलिस के साथ जो मिलकर प्लान बना था, उसी प्लान के तहत ये आगे बढ़ रहे कि 5 बस आती है वो यहाँ पर ले आया जाता है और यहीं से वापस उन्हें शांति से ले जाया जाता है। तो ये एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं लोगों को कि हमने 26 जनवरी में जो कुछ हुआ वो हमने नहीं किया था, वो एक साजिश बिल्कुल ठीक कहा इतने, लेकिन देखिए समझना होगा कि 22 से 9 अगस्त ये जो ड्यूरेशन है इतने दिनों की, क्या ये शांति व्यवस्था, क्या ये सब्र, क्या ये भरोसा कायम रहेगा? क्या इतने दिन तक कोई हंगामा किसी भी तरीके का उपद्रव देखने को नहीं मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।